शुक्रगुजार हैं सर सैद एजुकेशन मिशन के, इन्होंने हमारे कोरोना पेशेंट्स के लिए ये जो है सुबह ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया है। और मैं गुजारिश करता हूँ बाकी लोगों से भी कि वो भी ऐसे ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का बाकी जगहों पर भी इंतज़ाम करें। हमारे पास पेशेंट इस वक्त तक तकरीबन 42 आए यहाँ पर, जब से ये कोरोना वायरस जो है ये फर्स्ट मई से स्टार्ट हुआ, ये सेंटर जो है चालू हुआ फर्स्ट मई से। लेकिन अब ये है कि हम भी कोशिश करते हैं, सब लोग ये है कि कोशिश करेंगे कि ये बीमारी ख़त्म हो जाए, और जितना भी हम इसको अवेयरनेस देंगे, ये सोशल डिस्टेंस रखेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है वो इस्तेमाल करेंगे SOP, तो उसके हिसाब से ये बीमारी ख़त्म। हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, मैं आपका भाई आमिर। आज हम सुबह सुबह निकले हैं एक और ब्लॉग के लिए। एक्चुअली अभी हम लेट हो गए थे तो हमारे डॉक्टर साहब आ गए हमें लेने के लिए, तो आप देख फुल रेडी हैं। हम जा रहे हैं कोविड पेशेंट्स को ब्रेकफास्ट करवाने, ब्रेकफास्ट देने के लिए। ये देखिए, हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर सैद एजुकेशन मिशन के, इन्होंने हमारे कोरोना पेशेंट्स के लिए ये जो है सुबह ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया है। और मैं गुजारिश करता हूँ बाकी लोगों से भी कि वो भी ऐसे ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का बाकी जगहों पर भी इंतज़ाम करें। मैं जितना खाने का इम्पोर्टेंस है उतना किसी और चीज़ का नहीं, जैसे प्रोटीन समय चाहिए होते हैं। इसमें देखो, इंग्लिश का एक प्रोव है, फीस्ट एंड फास्ट, ना हमें ज़्यादा भूखा रहना है और ना हमें ज़्यादा खाना है। तो हमारे प्रोटीन्स अच्छे से अगर है तो हमारी बॉडी को अच्छी शक्ति मिलती है ताकि वो लड़ सके इस बीमारी से। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, ऐसे और लोग आगे आए और ऑर्गेनाइजेशंस आगे आए ताकि हम पेशेंट्स के लिए लंच डिनर का भी इंतज़ाम कर पाए। शुक्रिया। जिस तरह आपने देखा, अभी हम गए थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में कोविड वार्ड में, उन सबको अपनी तरफ से जितनी हमें तौफीक दी थी खुदा ने, उस हिसाब से हमने सबको ब्रेकफास्ट का सामान दिया है। और अभी हम आए हैं यहाँ दूसरे कोविड वार्ड में जो कि शीश महल में, तो ये हमारी ने अभी वेट कर रहे हैं जो मैन गेट। ये आए हम अब दूसरे कोविड वार्ड में ना, तो ये टीम हमारी जा रही है। दीज आर ऑल कोविड पेशेंट्स। मैं सोच रहा हूँ कि उनको सहारा देने के लिए थोड़ी उनसे भी बात की जाए, मगर दूर हैं वो, देखते हैं डॉक्टर साहब से पूछते हैं, अगर रेकमेंड किया तो बात करेंगे। तो दिन में हम इनको डाल नाल जी मामा जी करीब ने सस्ती का इनको ब्लड ठीक है, एक अंडे जो है दो अंडे अगर मिल जाए तो इनको वीकनेस कमजोरी के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर ये अगर दूध भी, अगर एक आप दूध मिल जाए तो वो भी ठीक। मेडिसिन तो अवेलेबल, हम जो है सभी मेडिसिन दे रहे हैं। एक मार्क्स, इनको थोड़ी कमी है मार्क्स की, ये बोल सभी बोलते हैं कि हमें एक एक मार्क्स, एक एक दो दो जो है हमें मार्क्स मिलने चाहिए। अगर ये है कि मार्क्स भी प्रोवाइड हो जाए तो और सब, ये इंतज़ाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आए, उनका भी हौसला अफजाई किया। हम ये ऐसे जो लोगों को जो है कि ये गांव में भी जाएंगे, सिटी में कहीं भी जाएंगे, ये आम लोगों को भी जो है अवेयरनेस देंगे कि वहाँ पर जो है वो ठीक ठाक रखा। और ये डाइट प्रोवाइड, ठीक है।
हमारे पास पेशेंट इस वक्त तक तकरीबन 42 आए यहाँ पर, जब से ये कोरोना वायरस जो है ये फर्स्ट मई से स्टार्ट हुआ, ये सेंटर जो है चालू हुआ फर्स्ट मई से। लेकिन अब ये है कि हम भी कोशिश करते हैं, सब लोग ये है कि कोशिश करेंगे कि ये बीमारी ख़त्म हो जाए, और जितना भी हम इसको अवेयरनेस देंगे, ये सोशल डिस्टेंस रखेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है वो इस्तेमाल करेंगे SOP, तो उसके हिसाब से जो बीमारी ख़त्म, पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेकिन अभी भी हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि ये बीमारी ख़त्म होनी चाहिए, इसमें आप गवर्नमेंट का फॉलो करें। तो ये है कि जितना भी अवेयरनेस देंगे इतना ठीक रहेगा। शुक्रिया डॉक्टर।